चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अपनी पूरी हिंदू निकाल लीजिए। ये है अनामिका, ठीक है? और अनामिका का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? आपने पहले भी पढ़ा था, पार्ट वन। क्या ये पार्ट वन कौन सा था? किरण। क्या है ये? किरण। और चैप्टर कौन सा है? किरण। आपने पहले भी पढ़ा होगा ना? अभी तो ये वापस से आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है? और आप लोग बोलने होंगे कि अभी मैडम भी चेंज हो गई, क्यों? कोई नहीं, चलता है। किरण का क्या मतलब? प्रकाश। किरण का क्या मतलब होता है? प्रकाश। सूर्य की जब किरणें फैलती है तो क्या होता है? प्रकाश होता है। अंधेरे में जब हम जब कभी आपने देखा एकदम घप अंधेरा होता है, बारिश होने वाली होती है या नहीं होती है, फिर उसके साथ एक ही साथ में फिर सूर्य दादा अपनी किरणें फैलाते हैं तो एक रोशनी होती है ना, प्रकाश होता है, वही इसमें होता है। दे रखा है प्रस्तावना। अभी हम पढ़ते हैं आज इसको, समझ लेते हैं पढ़ के, ठीक है? तो आप लोग सब प्लीज, आप सब कैसे कि आप लोग मेरे साथ देखते जाएंगे, होंगे पढ़ते जाइए, ठीक है? प्रस्तावना क्या कहती है? जिस प्रकार से सवेरा होने पर सूर्योदय होता है और चारों दिशाओं से अंधेरा दूर कर फूलों को खिलने में सहायक होता है। क्या कह रहा है ये? जिस प्रकार सवेरा जब होता है तो सूर्योदय होता है, ठीक है? जब मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, तो क्या होता है? सूर्य का उदय होना, उदय होता है। और हमारी चारों कोने में प्रकाश ही प्रकाश फैलता है, ठीक है? और अंधेरा दूर एकदम भाग जाता है और फूल खिलने लगते हैं, उनको खिलने में भी सहायता होती है, किरण फैलती है, ठीक है? और फूलों के खिलते ही चारों दिशाएं सुगंधित हो जाती है, यानी खुशबू होने लगती है, ठीक है ना? संसार को प्रकाशित कर अपनी कीर्ति की खुशबू फैलाएं। यानी इसमें जो कभी का कहने का मतलब है कि जैसे सुबह होने पर सूर्य ने अपनी किरणें फैलाई, उसी प्रकार आप लोग भी अपनी योग्यता से अपने उससे हैं तो संसार में प्रकाशित करो अपनी कीर्ति को और अपनी खुशबू को, ठीक है? प्रतिबिंब क्या कहता है? सूर्य की सुनहरी किरणें पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ाती है। सूर्य की सुनहरी किरणें जो हैं वो क्या करती है? पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ाती है तथा चारों दिशाओं को सुगंध से भरकर नव जीवन प्रदान करती है। क्या करती है? चारों दिशाओं को सुगंधित कर, सुगंध यानी खुशबू से भरकर नव जीवन प्रदान करती है, यानी नया जीवन देती है, प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार से कभी बच्चों को भी सूर्य की किरणों के समान फैलकर पूरी दुनिया में नव जीवन भरने का संदेश देते हैं। जो कभी है, कभी क्या कह रहे हैं कि जैसे किरणें, सूर्य की किरणें सुबह होते ही चारों दिशाओं में फैलती है तो उससे बहुत सी चीज़ें कुछ फूल सुगंधित होने लगते हैं और अंधेरा दूर होता है। तो कभी का कहने का मतलब है कि बच्चों को भी सूर्य की किरणों के समान फैलकर यानी अपने कीर्तिमान को बढ़ाकर फैलाकर सारी दुनिया में नव जीवन भरने का संदेश देना ये
ये देह है, देते रहना चाहिए। परिकल्पना क्या कहती है? सवेरा होते ही सूर्य की किरणों के आने पर चारों ओर उजाला छा जाता है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी अपने गुणों से इस पूरे संसार को सुंदर बना सकते हैं। परिकल्पना करनी चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से सवेरा होते ही सूर्य की किरणें आने पर चारों तरफ उजाला छा जाता है, ठीक उसी प्रकार बच्चों को भी अपने गुणों यानी अपने अंदर के गुण से पूरे संसार को सुंदर बना सकते हैं, अगर बच्चे चाहे तो। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो अपने गुणों से पूरे संसार को सुंदर बना सकती हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक किरण आई छाई, दुनिया में ज्योति बिराई, यानी जो एक किरण आई है जो छा गई दुनिया में ज्योति निराली। ठीक है, उसकी ज्योति निराली और सुनहरी रंगी सुनहरे रंग में। पत्ती नहीं डाली, एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहरे रंग में पत्ती डाली डाली। यानी जो पत्तियां है, जो डाली है, वो रंगी कैसी है? सुनहरे रंग में। एक किरण आई छाया पूरब में सुगत सवेरा, सूरज निकला था पूरब से, है ना, तो पूरब से सुगत सवेरा, यानी अब किरण निकलेगी पूरब की तरफ से, तो उधर से सुगत सवेरा यानी सुखद आनंद मिलेगा हमको, सवेरा उधर से निकलेगा। कोई दिशाएं लाल लाल और चारों दिशाएं एकदम लाल लाल हो जाती है, पूरब की तरफ से तो निकलेगा सूर्य, उधर की बाकी सारी दिशाएं हमारी जो है लाल लाल हो जाती है, क्योंकि सूरज की जब किरण निकलती है सूरज की में तो हल्का सा रेडनेस होता है उसमें, यानी लाल लाल नहीं होती है। ठीक है, हो गया धारा का घेरा, यानी धारा क्या होती है, हो गया धारा का घेरा, यानी पूरे उसमें घेरा सा बन जाता है किरणों का। एक किरण आई हस हस कर फूल लगे मुस्काने, जब किरण आई तो हर एक फूल पर पहुंची और फूल खिलने लगे और लगे जैसे मुस्काने, जैसे लगता है जैसे कि मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, वही सुगंधित पवन, यानी वही यानी हवा सुगंधित होके बहने लगी। ठीक है, और गा रहे हैं भौरे मीठे गाने, और भंवरा जो होता है फिर वो चेचा लगता है मीठे गाने की तरह, स्कूल से स्कूल पे तो अपनी आवाज में गाने से गाने। एक किरण बन तुम भी, यानी तुम भी एक किरण बनो, फैला दो दुनिया में जीवन और पूरी दुनिया में अपना एक जीवन नया सा पहना दो, चमक उठे सुंदर प्रकाश से, यानी चमक ऐसी उठी सुंदर प्रकाश, वो प्रकाश हमारा आया उससे चमक उठे पूरा दर से, यानी प्रकाश से सारी दुनिया चमक उठी। ये धरती का कणकण और हमारी धरती है, इसका हर एक कणकण प्रकाश से चमक उठा, चहक
यानी जो पक्षी हमारे उड़ते हैं वो भी चहचहाने लगते हैं जब किरण फैलती है तब। जब अच्छी सुगंधित हवाएं चलती हैं, प्रकाश चलता है, तो उससे क्या होता है? अभी आप सपोज करो कि सूरज ना निकलता तो है, उसका टाइम फिक्स है निकलने का, और अस्त होने का भी, यानी जाने का भी टाइम फिक्स है सूरज का, ठीक है। चाहे आप कितना भी कुछ करो, कितना भी अंधेरा हो जाए, बादल हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर आप कभी गौर करना, सूरज ज़्यादा निकलेंगे तो जरूर ही, क्योंकि वो आते हैं। चाहे भरे अंधेरा होता है ना, उसमें भी हल्की सी किरणें आपको सूरज की जरूर दिखाई देगी। कभी अभी नहीं, जैसे कभी बारिश का सीजन हो तब देखना कि भाई जब बारिश आती है, जब बहुत जोर की बारिश आए और एकदम बादल गड़गड़ने लगते हैं और पूरे काला अंधेरा सा छा जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको रेडनेस, आसमान में जो काला काला छा रखा है उसमें कहीं ना कहीं आपको दिखाई जरूर देगा सूरज की किरणों से। ठीक है, जब काला काला भी छंटती है ना आसमान में, तब कभी गौर से देखते हैं तब लाल में दिखाई देगी सूर्य की किरणें आपको जरूर दिखाई देंगी। ठीक, तो इसमें यही कह रहा है, कभी ने यही कहा है कि बच्चों सूर्य की किरणें जैसे प्रकाश फैलाती हैं, ऐसे ही आपको भी अपने गुणों से प्रकाश फैलाना है, और जो आपकी लाइफ में अंधेरा है उसको दूर भगाना है। ठीक है ना, क्या करना है? दूर भगाना है और अपनी किरणों से, यानी अपने ज्ञान की किरणों से सारे संसार को प्रकाश रहित होना है। ओके, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपकी सब समझ में आ जाएगा। फिर कल नेक्स्ट आप करवाएंगे इसके अभ्यास का, कि भाई शब्दार्थ है, कठिन शब्द है और क्वेश्चन आंसर वगैरह बहुत सारे, वो सब आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है ना, ओके, बाय, टेक केयर।